भैया दो काले वाले छोटे वाले पहले लेके आना बैग, जो बस से आगे लगे होते ना। आर्मी वालों ने यहाँ तोपे लगा रखी हैं। ये होते हैं रास्ते मंजिलों को जाने के लिए। Don't be a gama in the land of lama. मस्जिद बाप रे बाप, इतनी चढ़ाई थी भाई, सांस ही फूल गया। बड़ी मुश्किल से सांस को वापस कंट्रोल किया। भैया दो काले वाले छोटे वाले पहले लेके आना बैग, जो बस से आगे लगे होते ना। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप सभी को बहुत बड़ी प्यार वाली झप्पी। आज है 21 तारीख की सुबह, मंगलवार का दिन, और आज हम जा रहे हैं ले। ब्रेकफास्ट नहीं किया है अभी, सवेरे के बज रहे हैं 7:30। निकलेंगे, डेढ़ घंटे के रास्ते में पहुँच जाएंगे हम ले, और ले जाके ही करेंगे बाइक वॉश और करेंगे ब्रेकफास्ट, और अगर रास्ते में कोई हमारे को अच्छा सा मिल गया रेस्टोरेंट तो करेंगे वहीं पे ही हम अपना नाश्ता। लगेज अभी ऊपर लेने के लिए गया है, और ये मेरा टैंक बैग और हेलमेट जैकेट यहाँ पर रखा है। इस समय बाइक की हालत देख लीजिए, क्या जोरदीला पास ने करी है, ये देखिए। ऊपर ऊपर से तो बाइक को चमका लिया जाता है, बट अंदर से जो है बाइक नीचे से काफ़ी गंदी हो जाती है, तो उसको चमकाने के लिए बाइक को वॉश कराना ही पड़ेगा। हेलो सभी दोस्तों, एक बार फिर से सुबह की गुड मॉर्निंग। निकल चुका हूँ सिसोल से, पैक करते हुए भी 10 मिनट लग गए। अब आराम आराम से जाएंगे, मौसम का मज़ा उठाते हुए, घाटियों का मज़ा उठाते हुए, और आपको नज़ारे दिखाते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड, बने रहिए वीडियो की एंड तक। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शो योर लव, प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोज, दिस विल एनकरेज मी टू मेक मोर एंड मोर ट्रिप्स, और आपको बढ़िया कंटेंट दिखाते रहेंगे हम। सिसोल इज फेमस फॉर एप्रिकॉट फार्मिंग, तो यहाँ पर जो एप्रिकॉट होता है वो ड्राइड भी मिलता है और फ्रेश भी मिलता है, यहाँ से ले सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे को वो चांस नहीं मिल पाया, क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दी निकला और इस समय वो नहीं दे पाया होटल वाला हमारे को। बहरहाल अगली बार के लिए कुछ ना कुछ रहना चाहिए, तो अगली बार के लिए हम एप्रिकॉट यहाँ से सिसोल से खा के जाएंगे। होटल वाले ने 2200 रुपये हमारे से लिए और 400 रुपये रात के डिनर के। ये देखिए, ये कुछ बुद्धिस्ट लोगों के स्तूपास बने होते हैं, आप देख सकते हैं इनको, सब हाथ से बनाए हुए हैं इन्होंने। अगर किसी को पता है ये क्या चीज़ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भूखे बंजर पहाड़, एक पेड़ नहीं है पूरे पहाड़ में। लुक एट दीज लैंडस्केप्स, अलग अलग तरीके के पहाड़, अलग अलग रंग के, कहीं काले, कहीं हरे, कहीं पीले, कहीं पर्पल। एक जगह पर्पल पहाड़ भी आए रास्ते में, ये देखिए। वाह, क्या सीधी सड़क, गजब। ये होते हैं रास्ते मंजिलों को जाने के लिए सीधे। इस सड़क पे देखिए 100 की स्पीड पे गाड़ी चलती हुई और सीधी बिल्कुल, दोनों तरफ सूखे पहाड़ और बीचों बीच ये वीराने के अंदर सड़क। वाह वाह वाह, आर्मी वालों ने यहाँ तोपे लगा रखी हैं, वो देखो बेवकूफ़ों को, ऑफ रोडिंग कर रहे हैं ड्यून्स के ऊपर। दिस इज निम्मू, नाउ आई गॉट टू नो दैट नींबू इज़ फेमस फॉर द आर्मी पीपल।
सो दोस्तों अभी हम है मैग्नेटिक हिल पे, ये रही हमारा चोंगा और आप देख सकते हैं ये रहा मैग्नेटिक हिल। हमने अपने को यहाँ पर मार्क्ड कर दिया है। हेयर यू कैन सी द वेरी योर ओन जोंगा ट्रेवलर ऑन द ट्रेचरस ले। क्या है मैग्नेटिक हिल में अपने को तो कुछ समझ आया नहीं, बट एक बार लेके जाके देखते हैं ऑफ रोडिंग है ऑन रोडिंग है क्या है यहाँ पर। घुसे जा रहे हैं हम कहीं ना कहीं। हाँ जी सचिन भैया, देख लीजिए आप, आपका नाम हर जगह हम डाल रहे हैं। क्लियरली यहाँ पर चेतक मेंशन्ड है मैग्नेटिक हिल पे। 21,000 रुपये की स्पॉन्सरशिप, आप पेटीएम कर देना मेरे को या जब मैं आऊँगा तो कैश दे देना, मर्जी आपकी है। चेतक का परचम हर जगह लहराया जाएगा, मैग्नेटिक हिल पे कर दिया है। यहाँ पर पहुँचने के बाद पता लगा कि मैग्नेटिक हिल जैसा कुछ नहीं है, सब बातें ही बातें हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। एक ये पहाड़ सा है, बस पहाड़ के ऊपर गाड़ियाँ लेके जाओ, ऑफ रोडिंग करो और अपनी मौज लो, जो कि हमने भी यही किया है। ये रही मेरी बाइक, फोटो सेशन हो गया है बाइक के साथ में। यहाँ से निकलेंगे अब आगे ले के लिए, ठीक है जन। सो मैग्नेटिक हिल से डिपार्चर ले लिया है, यहाँ से निकल गए हैं अब ले के लिए, जो कि है 33 किलोमीटर। गुरुद्वारा आ गया, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। चलो जी यहाँ पर भी हम मत्था टेकते हुए ही चलेंगे अब। सो गाइस अभी मैं आ गया हूँ पत्थर साहिब गुरुद्वारे पे, और यहाँ पर गुरुद्वारा बहुत ही बढ़िया है। लेट मी शो यू द लुक ऑफ द गुरुद्वारा, गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब, इट्स रिटन हियर। और ये रहा हमारा निशान साहिब, चारों तरफ पहाड़ियों के बीचों बीच, और साथ में ये छोटे से घर वाले कुत्ते भी हैं, तो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर भी जाते हैं वहाँ से फोटो वोटो लेने के लिए। को जन्म मरण दुख ते जन को हूं भले हरि जिन श्रेष्ठ साधु। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। चलो जी हो गया पत्थर साहिब गुरुद्वारा, तैयारी अब चलेंगे ले के लिए। ले 24 किलोमीटर यहाँ से, डोंट बी ए गामा इन द लैंड ऑफ लामा। और अब जा रहे हैं अपने होटल की तरफ और दिखाते हैं आपको अपना होटल। इट्स अ नाइस प्रॉपर्टी, 2,500-3,000 रुपये में कमरा है, बट यह है कि बाइक सेफ खड़ी है, कोई छेड़ने वाला नहीं है, कंफर्टेबल रूम है। ये देखिए एक रात रुकने के लिए बढ़िया है। Zanang is the name of my hotel.
होटल में थोड़ी देर रेस्ट करके अब निकला हूँ ले मार्केट जाके कुछ खाने के लिए। मार्केट जाएंगे, कुछ एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे क्या है यहाँ पर। सो गाइस, मैं पहुँच गया हूँ ले की मार्केट में और पार्किंग थोड़ा सा दूर है, तो ध्यान रखें या तो होटल पास में लें ताकि आपको होटल से मोटरसाइकिल गाड़ी निकालने का ज़रूरत ना पड़े, और अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तो पार्किंग थोड़ा सा दूर है, आधा किलोमीटर, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा तकलीफ रहे। सो लेट मी शो यू हाउ द मार्केट लुक्स लाइक। ये है मार्केट की वॉकिंग स्ट्रीट, दोनों तरफ दुकानें बनी हुई हैं अलग अलग तरीके की, रेस्टोरेंट्स अभी आए नहीं हैं, आगे आते होंगे रेस्टोरेंट्स। मस्जिद अरबिक पे आयतें लिखी हुई हैं, पता नहीं क्या है। दिस इज जामिया मस्जिद ले लद्दाख। शाम के बज रहे हैं 3:15। उधर अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ पुराने कच्चे घर नज़र आएंगे, पुराने कच्चे। मैं यहाँ पर कैफेटेरिया में आया हुआ हूँ, नाम मुझे पता नहीं। और ये है मार्केट विजिट एंड द लंच। अब तैयारी है शांति स्तूपा को देखने की। दिस इज एन ईजी ट्रेन टू द शांति स्तूपा। पूरी ले सिटी नज़र आती है यहाँ से। थाईलैंड में फुकेट में भी ऐसी एक शांति स्तूपा है जहाँ पर मैंने विजिट किया हुआ है, विग बूता। सो गाइस, हियर आई एम एट द शांति स्तूपा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ऊपर चलने में सांसें फूल गई, सांस ही नहीं आ रहा इतने हाई एल्टीट्यूड पे, और साथ में इतना चलने के बारे में बैक टू विद द राइडिंग बूट्स इज रियल डिफ़िकल्ट। अभी मौसम कुछ खास ठंडा नहीं है, तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने होटल में आराम से चेक इन करके पजामा पहनो, चप्पल पहनो, शूज़ पहनो, स्पोर्ट्स शूज़ पहनो, और वो पहन के आप आराम से आप यहाँ पर आ सकते हैं विज़िट करने के लिए। इन द मीन वाइल आपको मैं यहाँ से व्यूज़ दिखाता हूँ। जो शांति स्तूपा है, यहाँ से पूरा ले सिटी नज़र आता है, आप भी देख सकते हैं, दिखाया जो मैंने अभी आपको। ऊपर तो मैं जा नहीं रहा, जूते नहीं उतार सकता मैं, इतनी हिम्मत नहीं है। बाप रे बाप, इतनी चढ़ाई थी भाई, सांस ही फूल गया। बड़ी मुश्किल से सांस को वापस कंट्रोल किया 5 मिनट बैठ के। अब जाऊंगा सीधा होटल, होटल पे करूंगा थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा सा करूंगा काम। कल की तैयारी रहेगी नूपुरा। नहीं बेटा, अभी मैं लद्दाख में ही हूँ। सो दोस्तों, मैंने अपना होटल में वापस आ गया, आके कपड़े चेंज कर लिए, मुँह हाथ धो लिया, जोंगे को अच्छे से पैक कर दिया, और अब जो है 5:30 हो चुके हैं यहाँ पर। अभी मौसम थोड़ा सा बादल वाला हो रहा है, कहीं आने जाने का कहीं प्लान है नहीं। हो सकता है शाम को रात को बस जो है खाना खाने के लिए कहीं बाहर निकलूं, अगर नहीं गया तो होटल में ही खाना मंगा के खा लिया जाएगा। अदरवाइज आज का दिन बहुत अच्छा रहा, कहीं बारिश नहीं मिली, कहीं कुछ नहीं मिला, एंड इट वॉज अ वंडरफुल डे। थैंक्स टू ऑल माइटी गॉड फॉर ट्रीटिंग अस गुड टुडे। उम्मीद करते हैं कल नूपुरा वैली जाना हूँ तो वहाँ पर ही मौसम ठीक रहेगा। पेट्रोल बिल्कुल टॉप अप कर लिया है, कोशिश करूँगा कि कल सवेरे 2 लीटर या 3 लीटर या 4 लीटर सिंगल लीटर की बॉटल के अंदर पेट्रोल डलवा लूँ, और डलवा के उसको अपने क्रैश गार्ड बैग्स में रख लूँ, सो दैट कभी भी मेरे को पैनिक करने का जरूरत ना पड़े। पेट्रोल अगर अपने पास में रहेगा तो अपने को कोई भी तकलीफ नहीं रहेगी कभी भी। सो ऑल सेट फॉर द डे एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द न्यू बिगनिंग टुमारो टू नूपुरा वैली। Okay, I'll take a leave with this. Thank you. Take care. Bye-bye.